तू आदमी है यार तू? मैं तुझे पूरा शहर ढूंढ मारा और तू है कि क्या सारे बगीचे बंद हो गए थे जो तू इस कब्रिस्तान में घूम रहा है? अच्छा देख, तुझे ना गुरुजी ने बुलाया है। तो मुझे सिखाने के लिए राजी हो गए? अरे बिल्कुल, मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से राजी किया है। मैंने उनके सीधे सर पे पैर रखा पैर पे सर रखा और फिर वे खुश हो गए और बोले ले आओ उसे। तो चलिए। By the way, this is my one and only friend. Hello. और मैं? Girlfriend. Thank you. My pleasure. पृथ्वी, चले? चलना यार, जल्दी कर जल्दी। मैं भी आया। मेरा इंतजार करना। हाँ, मैं यही इंतजार करूंगी। See you. अरे 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 धीरे चल, अबे मरवाएगा क्या? धीरे चल। मैं इंतजार करूंगी। यार गुरुजी मुझे आज ही सिखाएंगे क्या? पता नहीं। हाँ, मूड अगर गुरुजी का अच्छा हुआ तो हो सकता है यार गुरुजी तुझे एक ही दिन में बहुत बड़ा संगीतकार ही बना दे। तो मैं अपना गिटार ले लूं? हाँ हाँ, ले ले ले। ये है पृथ्वी। अच्छा हुआ तुम आ गए, खुश हुआ मैं। पियो। जी मुझे आदत नहीं है। सलूट की या पीने की? दोनों की। हो जाएगी, हर चीज की आदत हो जाएगी। देखो हम और तुम जो है ना, हमारे हाथ में सिवाय रेखाओं के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जो कुछ है सब वो ऊपर वाले के हाथ में है। वो दुनिया का सबसे बड़ा संगीतकार है, सबसे बड़ा। गुरुजी, याद है आपने पृथ्वी को संगीत सीखने के लिए बुलाया था? देखो इरशाद, गुरु कालीचरण के साथ मिल लेना संगीत सीखने के बराबर है। अब चलो जाओ, जाओ जनक ने मना। जय हिंद। माफ कीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? आप जब तक कुछ सिखाएंगे नहीं, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। कम से कम सरगम ही सिखा दीजिए गुरुजी। ठीक है, सिखाता हूं। मगर इसलिए नहीं कि तुम जिद कर रहे हो, और नहीं इसलिए कि तुम कह रहे हो शायद। इसलिए सिखा रहा हूं कि तुम्हारा नाम पृथ्वी है ना। पृथ्वी, इस नाम के पीछे एक कहानी है, 20 साल पुरानी कहानी। मेरी और प्रभा की कहानी। हम लोगों ने सोचा था कि जब हमारे प्यार का सपना साकार होगा तो हम लोग उसका नाम पृथ्वी रखेंगे। मगर वो प्यार का सपना साकार हुआ नहीं, टूट गया। आया करो, तुम्हारा नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे 20 साल से जिंदगी में पड़ी हुई धूल को शीतल जल ने धो दिया। पापा, प्लीज पापा, प्लीज आप मम्मी से कहिए ना कि वुमेन्स काउंसिल के प्रोग्राम में पृथ्वी को गाने का चांस दे। पापा पापा प्लीज। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे उस हिटलर को समझाना खाने का काम नहीं है। अगर तुम्हारे मम्मी को कोई पटा सकता है, समझा सकता है, तो वो है वन एंड द ओनली जॉन एफ पिंटो। आपने सही कहा पापा, मैं जानती हूँ कि आप बहुत बहादुर हैं, इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ पापा प्लीज। ठीक है, लेकिन तुम्हारे उस क्या नाम है उसका? पृथ्वी। पृथ्वी, आर यू मिस्टर पृथ्वी? यस सर। मेरा नाम पिंटो है, जॉन पिंटो, और ये मेरी बेटी मैगी।
सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कितनी खुशी हुई ये तो बाद में पता चलेगा। मैगी तुम कैसेट देखो, मैं जरा पृथ्वी से बात करता हूँ। तुम मैगी को कब से जानते हो? बहुत बहुत दिनों से सर। मैगी से प्यार करते हो? यस। क्यों? प्यार करने के लिए कोई रीजन नहीं होता सर। मैगी, मैगी से शादी करोगे? नहीं। हाँ हाँ नहीं करूंगा सर। मगर मैगी तो कहती है कि तुम किसी और से लव करते हो। मैगी कहती है सर? यस। टेल मी द ट्रूथ, ये दूसरा कौन है? सर अगर मैगी के अलावा मैं किसी को चाहता हूं तो वो है म्यूजिक सर। एग्जैक्टली। तुम म्यूजिक को कितना चाहते हो? म्यूजिक को? यस। मैगी से ज्यादा सर। आई एम सॉरी सर, मगर मैं झूठ नहीं बोल सकता सर। सर मेरे गीत ही मेरी आत्मा है, संगीत ही मेरे जीने का कारण, मेरे दिल के धड़कन में भी मुझे सरगम सुनाई देता है। संगीत की वजह से ही मैं इस दुकान में काम करता हूं। जब भी मैं यहां होता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे बड़े से बड़े कलाकार मेरे साथ हैं, मेरे सामने खड़े हुए मुझे प्रेरणा दे रहे हैं सर। मैं समझता हूं यंग मैन, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझता हूं। तुम्हें फन है मगर चांस नहीं। कोई बात नहीं, अपनी म्यूजिक को, संगीत की आग जो तुम्हारे सीने में चल रही है उसे बुझने नहीं देना। तुम्हें चांस जरूर मिलेगा। चलो मैगी। थैंक यू सर। मैगी। आई पापा। तो तुम मुझसे ज्यादा संगीत से लव करते हो? नहीं मैगी, मैगी। संगीत तुम्हारी धड़कन मैगी, है आत्मा है। ठीक है आज 4 बजे फोन करना, तब बता दूं मैं कौन हूँ। मैगी मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। फोन मत करना, खुद आना, आमने सामने बात होगी। चला ये क्या है? नाइट गाउन। मेरे लिए? ऑफ कोर्स। आर यू ऑल राइट? यू बेट। थैंक यू। पापा बी ब्रेव। आई एम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके गो गो। क्या कर रहे हो? करने दो मुझे, करने दो, करने दो। क्यों, शादी की पहली रात याद आ गई? आए इतनी सेवा जरूर कोई बात है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे हा? कुछ नहीं चाहिए। ओ पापा, तुम कुछ बोलोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या चाहिए? पहले ये साड़ी छोड़ो। हाँ औरत को और साड़ी को संभालना बहुत मुश्किल काम है। नहीं हंसो मत। नहीं बोली ना। स्टेला एक लड़का है, पृथ्वी, पृथ्वी उसका नाम है, बहुत अच्छा गाता है। गीत, गीत उसकी आत्मा है, संगीत उसके जीवन का कारण है, उसको अपने दिल की धड़कनों में भी संगीत सुनाई देता है। ये लो देखो, तुम्हारे विमेंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक म्यूजिकल प्रोग्राम होने वाला है तो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स उसमें आएंगे ना,
तो मैं चाहता हूँ वो लड़का उस लड़के को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिले। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। यस। तुमने क्या सोचा कि बेडरूम में तुम्हारा काम आसान हो जाएगा? नहीं, बेडरूम में तुम मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ भी मारो तो कौन देखेगा? तो मैं बात पक्की समझू? स्टेला, तुम हंसती हो तो कितनी अच्छी लगती है, सच्ची। राजू रेडी है ना? हाँ बिल्कुल रेडी हूँ। और जरा नादे जरा ठीक से बजाना, ठीक है? ओके। हाय हैंडसम। ऑल द बेस्ट। मुझे अभी से दिखाई दे रहा है ऐसा ही एक स्टेज होगा, ऐसा ही एक बैनर होगा, मगर उस पर इससे भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा पृथ्वी नाइट। वो जब होगा तब होगा, मगर अभी क्या होगा? 6 बजे का टाइम था, 6:30 बज गए, प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा? मैं अभी जाकर मम्मी से पूछती हूँ, ठीक है? ओके। मिस्टर साहब आ गए, चलो जल्दी रेडी हो जाओ। बैठिए बैठिए बैठिए। शुरू करो शुरू करो। अरे वॉलंटियर जरा यहाँ आइए। यस सर। देखिए वो हमारा बॉडीगार्ड और ड्राइवर है ना, उनको जरा नाश्ता वास्ता खिलवा दीजिए। ओके जल्दी जाओ। मिसेस पिंटो आप यहाँ आइए ना। यही ठीक है। अच्छा ठीक है। देखिए हम देख रहे हैं कि आपका जो वुमन काउंसिल है ना, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हम सोचता है कि हाई कमांड के आगे आपकी बहुत तारीफ करेगा। थैंक यू। कहेगा कि आपके जैसे लोगों को तो पार्टी में होना चाहिए ना। थैंक यू वेरी मच। भारतीय भाषा में जी धन्यवाद। और रात को पार्टी वाली का इंतजाम है ना? जी हाँ है। अरे भाई रोशनलाल जी। जी। अरे भाई कैसे हैं आप? कृपा है आपकी। अरे भाई बहुत दिनों से आप मिले नहीं, भाई आपसे तो मिलना दुभर हो गया है। क्या बात कर रहे हैं जी आप, आपसे तो मिलना मुश्किल हो गया है। अच्छा वो आप मिल गए, हम आपको फोन करवाना ही वाला था जी। वो क्या हुआ के आपको वो साले साहब है ना, उनका वो टेंडर है ना, वो आप पास कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं आपके सामने वो गीत पेश करूंगा जिस पर हर हिंदुस्तानी गर्व करता है। 1 2 जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल भितरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष मागे, गावे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू। मिसेस बिंटो ये क्या है जी, ये सारी जनता के सामने आपने हमारी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया है। आप अपने समझती क्या है, हम हाई कमांड के आगे आपकी शिकायत करेंगे, समझिए आप। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं।
कंग्रेचुलेशंस, क्या परफॉर्म किया आपने, वाह कमाल है। तुम भी ऐसी बात करोगी क्या? जो कुछ उसने किया सब ठीक किया? नहीं नहीं, जो उन्होंने किया वो बिल्कुल गलत था, मगर जो कुछ तुमने किया वो बिल्कुल ठीक था। मैगी, उस नेता के बच्चे ने मेरी म्यूजिक की इंसल्ट की, एंड आई कांट टॉलरेट दैट। ओह रियली? मैगी, उसने मुझे 2 घंटे वेट कराया और फिर साला बकबक करने लगा। तुम कौन से किशोर कुमार हो? 2 घंटे वेट किया तो कौन सी मुसीबत आ गई? 10 साल जिस चांस के लिए तुम रुके हुए थे, 1-2 घंटे और भी रुक सकते थे। मैगी, अगर तुम भी उसकी तरफदारी करोगी तो मैं क्या बोलूं? तुम बोल भी क्या सकते हो? ठीक है, जो जी में आए सोच लेना, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। गलती ना तुमने की, ना मिनिस्टर ने की, गलती मेरे मम्मी ने की, मेरे डैडी ने की, जिन्होंने तुम्हें इतने बड़े प्रोग्राम में चांस दिलवाया। मैगी, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तुमने जो कुछ भी किया वो ठीक किया? हाँ, ठीक किया। ठीक है, तुम अपनी बात पर ही जमे रहो, मैं जा रही हूँ। तो जाओ, मगर एक बात सुनती जाना, मुझसे कोई भी गलत बात नहीं बनवा सकता। तुम भी एक बात सुन लो, आज के बाद तुम मुझसे कभी मत मिलना, फोन भी मत करना, मेरी तरफ देखना भी नहीं। गुड बाय। मैगी, मैगी, मैगी। तुम जैसे बुद्धू आदमी की वजह से मैं उल्लू बन गई। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है वो मर्डरर है? उसने अपने बाप का खून किया और सारा बचपन जेल में काट कर आया है, और उसकी माँ एक वैश्या थी। मर्डरर, स्काउंडरल, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो उसका ऐसा हशर करूं कि जिंदगी भर याद रखे। मैडम ऑटो चाहिए? नहीं चाहिए। मैगी, अब गुस्सा छोड़ो और चलो मेरे साथ। मैगी,
मुझसे भूल हो गई, मैंने ज्यादती की। लेकिन तुम मेरे किए की सजा अपने प्रेम को क्यों दे रही हो? प्रेम हमारा बच्चा है। बेचारा प्रेम रात भर माँ माँ कह के तड़पता रहा, रो रो के तुम्हें याद कर रहा था। मैगी तुम कहो तो मैं सबके सामने कान पकड़ के तौबा करूंगा कि मैं वही करूंगा जो तुम कहोगी, लेकिन मेरे साथ चलो, तुम्हारे बिना मेरा प्रेम कैसा जिंदा रहेगा? आप लोग ही कहिए ना। घर चली जा बेटी, पति माफी मांग रहा है। मान जा बेटी, अपने लिए नहीं तो अपने मासूम के लिए चली जा। जा बेटी जा, घर चली जा, नाराज मत हो। अपने बच्चे की खातिर चली जा बेटी। ये झूठ बोल रहा है, मेरा कोई बच्चा बच्चा नहीं है, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। क्या शादी भी नहीं हुई, बच्चा भी नहीं हुआ? कह दो कि 2 महीने पहले हमारा प्रेम पैदा ही नहीं हुआ था। बोलो बोलो, कहो कि हमारा प्रेम है ही नहीं। बैठो बैठो, जल्दी बैठो, मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कब से तड़प रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे प्रेम को बचा लिया। फोन करो तो घर पर नहीं, घर जाओ तो बाहर गई, बस स्टॉप पे देखा तो ऑटो रिक्शा में बैठ के चली गई। तुम इतना भाव की खाती हो? मैंने फैसला कर लिया था कि कभी तुमसे बात नहीं करूंगी, कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। अच्छा, मगर प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें एक दिन भी ना देखूं तो दिन का रात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मेरी भी यही प्रॉब्लम है। तो फिर हम लड़ते क्यों हैं? पता नहीं। खुद को बदल दो पृथ्वी, कंट्रोल करो। भगवान न करे कभी हमें ऐसा लगे कि हमने प्यार नहीं एक भूल की हो। प्लीज पृथ्वी, तुम इतना गुस्सा मत हुआ करो। मैगी, मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की मगर नहीं कर सका। जब भी मैं कोई जुल्म कोई नाइंसाफी देखता हूं, मेरा अंदर का लावा फटने लगता है। आई जस्ट कांट टेक इट। गुस्सा कंट्रोल करने की तरकीब बताओ। क्या फर्स्ट एड डायरी में कोई टैबलेट है क्या? बहुत आसान तरीका है। नेक्स्ट टाइम जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो अपना ध्यान कहीं और लगा दो और किसी और के बारे में सोचने लगो। फिर 1 से 10 तक गिनो, गुस्सा का टिंग टोंग। मगर किसके बारे में सोचूं? तुम्हारे बारे में, गांधी जी के बारे में या महात्मा बुद्ध के बारे में? अपने बाप के बारे में जिसका तुमने खून किया था। आओगे और तुम्हारी मम्मी से सॉरी बोलूंगा। That's like a very good boy.